दोस्तों हमने ये मार्केट में बहुत फिरने के बाद ये दो चूजे लिए हैं, दोनों फीमेल हैं, एक फीमेल के लिए। और अब इंशाल्लाह हम जाएंगे वापस और जाके इनको वापस में छोड़ते हैं और देखते हैं क्या बनता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। और आज संडे है, अल्हम्दुलिल्लाह हम जाएंगे वो जो सील मेल आए थे उसके लिए फीमेल लेने। मैंने मामू के बेटे को भी बुलाया है फ़ोन करके, वो भी आ गया। और साथ ये छोटा विजिट कर रहा है भतीजा मेरा बुजुर्ग, ये भी जाएगा। और साथ ये जाएगा हसीबा, हम तीनों जाएंगे इंशाल्लाह मार्केट और वहाँ से जाकर उसके लिए फीमेल लेकर आते हैं। देखते हैं कैसी फीमेल मिलती है और दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी चीज़ मिल जाए। और दोस्तों अभी रास्ते में आते थे प्लान चेंज हुआ कि हम सबसे पहले जाएंगे मामू की तरफ और जो अपने मुर्गा और मुर्गी वहाँ रहते थे हम वो लेंगे। उन ये दोनों हमने पकड़ लिए हैं और अब इंशाल्लाह पहले ये लेकर हम घर जाएंगे, फिर जाएंगे हम वहाँ से मार्केट और इंशाल्लाह वो दूसरे सील मुर्गे फीमेल के लिए फ़ीमेल भी लेके आएंगे इंशाल्लाह। और ये जो हमने दो लिए थे वो ये हैं और हमने वो अब ले लिए, अब इंशाल्लाह हम जाएंगे घर। और दोस्तों हम आ चुके हैं मार्केट, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे बहुत ही ज़्यादा रश है। और अब इंशाल्लाह हम देखेंगे अपने फीमेल जो हमने मेल के लेनी है इंशाल्लाह देखते हैं और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। और दोस्तों हमने ये मार्केट में बहुत फिरने के बाद ये दो चूजे लिए हैं, दोनों फीमेल हैं, एक फीमेल के लिए। और अब इंशाल्लाह हम जाएंगे वापस और जाके इनको वापस में छोड़ते हैं और देखते हैं क्या बनता है। और दोस्तों फ्रेश होने के बाद आ चुके हैं ऊपर, अब इन सबको इकट्ठा खोलते हैं और देखते हैं इनमें से किसका क्या रिएक्शन आपस में होता है और क्या रद्द अमल करते हैं एक दूसरे के साथ, इंशाल्लाह ये देखते हैं। दोस्तों आने वाले आज नए परिंदों में दो ये मुर्गा मुर्गी शामिल हैं और उसके साथ वो दोनों वाइट और ब्राउन, ये जो पहला पेयर था वो पहला मेल था वो ये है और उसके साथ एक ये वाली और एक ये वाली फीमेल आज लाई गई। और अभी तक तो ये आपस में फिलहाल ठीक ही हैं, अब लड़ तो नहीं रहे, देखते हैं अब आगे इनका क्या प्रोग्राम होता। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। और दोस्तों अब हम करेंगे मुर्गी के पिंजरों की सफाई, वो जो नीचे तीनों हैं उसमें हमने मिट्टी नहीं डाली हुई, उसमें ऐसे ही सिर्फ सिंपल सा फर्श है क्योंकि उस पर मिट्टी डालने की वजह से कहते हैं मिट्टी में जब पानी वगैरह गिरता है तो वो सैलाब के तौर पर उसको जज़ब कर लेता है फर्श और वो फर्श ख़राब होता है, इसीलिए हम उसमें कुछ भी नहीं डाला। अब उसमें हम डालने उसको ही करेंगे सफाई और ऊपर वाले पिंजरों की मिट्टी चेंज करनी है वो इंशाल्लाह हम करेंगे कल। और आज अभी नीचे से पिंजरों की सफाई करके उनको उसमें हम बंद कर देंगे। और दोस्तों अब हम इसकी कर रहे हैं सफाई, इन्होंने अंदर बहुत ही ज़्यादा गंद डाल दिया हुआ है, ये पानी में डालता हूँ इनको, जैसे ही ये पानी को फेंक देते हैं अंदर और अंदर जो दाना वगैरह होता है उसको भी पानी के साथ मिक्स कर देते हैं और ये बहुत ज़्यादा गंद बन जाता है और ये बहुत ज़्यादा दाना वेस्ट हो रहा है। अब समझ नहीं आ रही है क्या खाएंगे, ये ना बाजरा खाते हैं ना ये कोई चावल खाते हैं ना कोई कनक ना कोई दाना, समझ नहीं आती। जो दिल करता खा लेते हैं और जो दिल करता है वो नहीं खाते, मेरी तो बात समझ से बाहर हो चुकी है। और दोस्तों हमने एक पिंजरा साफ कर लिया है, अब ये सेकंड वाला कर रहे हैं, इनको साथ ही साफ करने के बाद धो भी देंगे अगर जिससे वो ज़्यादा सफाई हो जाएगा, कोई गंदगी वगैरह हुई इसमें तो वो साफ हो जाएगी। और अभी सेकंड वाला भी तकरीबन साफ हो ही चुका है। और गाइस अब हम करेंगे तीसरे वाला साफ, इसमें तो उन्होंने पानी के साथ बिल्कुल ही गंद बना दिया है, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही मुर्गी रखी थी जिसको वो दूसरा सील मुर्गा मार रहा था जो हम कल लाए थे और उसने तो इंतहा ही कर दी है सिर्फ एक दिन में। अगर उसको मुर्गे के साथ रखते हैं अंदर तो मुर्गा उसको मारता है, उसे नीचे रखा है तो नीचे उसने गंद बना दिया है। और दोस्तों अब हम इसको यहाँ से तोड़कर इसकी जगह बनाएंगे, यहाँ पर अंदर सफाई करने के साथ जब पानी डालते हैं सफाई के लिए तो अंदर पानी जमा हो जाता है, इसीलिए हम इसको जो है यहाँ से थोड़ा सा तोड़ लेंगे, अगर पानी इसमें मारें तो पानी अंदर से सारा खुद ब खुद बाहर आ जाए, यानी कि झाड़ू के साथ भी नहीं आता जब मैं सफाई करता हूँ, तो अब झाड़ू हो या कुछ भी ऐसे ढलान इधर की बन जाएगी तो आ जाएगा। मैंने अंदर की तरफ इसीलिए वो सीमेंट लगा कर ढलान बनाई थी कि इसके लिए जो है वो बारिश का पानी अंदर नहीं जाएगा, लेकिन वो अंदर का पानी भी बाहर नहीं आता,
इसलिए अब इसको हम यहाँ से तोड़कर पानी के बाहर आने का रास्ता बना रहे हैं। दोस्तों आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। वीडियो पसंद है लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं।